भक्ति में कोई चांती कुल का कोई विचार नहीं, इसलिए जाति पाति पूछना कोई हरिता भजा सो हरिता होई हरिता होई। इसलिए भगवान के भक्ति में जाति कुल का कोई विचार नहीं। इसलिए महाप्रभु ने हरदास ठाकुर जी को उन्होंने ये जबन कुल में उन्होंने जन्म ग्रहण दिया है, इसलिए इनका नाम क्या बोले हरिदास। क्या नाम है? हरिदास। बोले इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं दास है ना नामान्य अल्प भाग्य बने, अल्प भाग्य दास नाही करे न भगवान, आगे है मुक्ति ता पर है सर्व बंधनाश, ता पर है ते बारे कृष्णा दास है। जो दास शब्द है लगता है कोई नौकर बनना थोड़ी चाहते हैं, सबसे चाहते हम मालिक बनना, कोई नौकर बनना नहीं चाहते हैं, है? लेकिन यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते भैया दास साधारण बात नहीं, ये साधारण शब्द दास मत मानो, आगे है मुक्त, पहले तो मुक्ति मिलेगी है, तापर सर्व बंधन नाश, सारे बंधन तुम्हारी मुक्ति होगी, तभी जाकर के भगवान का कोई दास बन सकते हैं। इसलिए दास साधारण भाग्य में कोई दास रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने नवद्वीप में सुना था, इसलिए पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा थे और श्री प्रह्लाद, ये दोनों मिल करके हरिदास रूप में आए हैं, इसलिए उन्होंने दो चीज वहां पर सिखा दिया। पहला चीज है उन्होंने द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण को चरण में अपराध क्या किया, उनको बछड़े सखाओं को चुराया, इसलिए उन्होंने भगवान से पता चला, भगवान ने माफी मांगे, लेकिन देखा भगवान ने माफ तो किया लेकिन दी से नहीं, इसलिए उन्होंने देखा क्या करनी चाहिए जो कि मेरे अपराध मुक्त हो जाए। फिर उन्होंने अंतरदीप में जहां पर उन्होंने भजन साधन किया, कहां पर ब्रह्मा अंतरदीप मायापुर में, और उसका नाम पड़ गया अंतरदीप। अंतरदीप मतलब क्या, जहां पर उन्होंने अपना अंतर की बात उन्होंने ब्रह्मा जी को बात अभिव्यक्त की, अंतर की बात बोले, इसलिए उसका नाम अंतर। अंतर मतलब क्या, भीतर। दीप मतलब जो भीतर की बात उन्होंने ब्रह्मा जी को बताई, क्या बोले, बोले देखो मैं कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके यही पर जन्म ग्रहण करूंगा, और जन्म ग्रहण करते हुए संपूर्ण विश्व को कृष्ण प्रेम रूपी बाण में बहाऊंगा। इसलिए फिर उन्होंने श्री हरिदास बन करके आए, इसलिए इनका नाम क्या है, नामाचार्य। क्या नाम है? नामाचार्य मतलब है अगर कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल एक उपाय नहीं है। अगर हमें भगवत प्राप्ति करना हो तो हमें नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो उनको फॉलो किए बगैर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने दीप में कितना हरिनाम करते थे, तीन लाख हरिनाम करते थे, तीन लाख। अगर हमने सोलमाला अगर कोई नाम जब करते हो ना, देखना सवेरे से लेकर के रात को सोने तक भी सोलमाला और तभी दोनों कुछ बाकी रह गया। लेकिन जो व्यक्ति कितना, चार बार सोलमाला में 1 लाख और मतलब 3 लाख हरिनाम जो करते हैं, कहते अगर 12 साल तक जिसे प्रभु बात ने 3 लाख हरिनाम किया, अगर उसने 7 करोड़ नाम जग्य किया, अगर कोई व्यक्ति अगर ये हरि नाम ग्रहण करता है, अगर 3 लाख हरि नाम करे, प्रभुपाद भी किया, भक्तिविनोद ठाकुर भी किया उन्होंने, क्या तो बात सिद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर कोई 1 लाख हरि नाम करे ना, देखना दिन रात चैन तुम्हें नहीं पड़ेगी, सवेरे से लेकर रात तक देखोगे, अगर दिन भर अगर उसमें डूब जाओगे तभी जा करके 1 लाख, कोई 1 लाख नाम किसने कभी किए हो, किसने के हाथ उठा हुआ, किसने 1 लाख करके हरिनाम किए, एक दिन में किसने 1 लाख हरिनाम किए, कोई किए हो, जब इसका हाथ नहीं उठ रहा है, एक दो व्यक्ति का हाथ उठ रहा है, उनको पता होगा भैया 1 लाख हरिनाम करने में फेसबुक में नहीं जाएगा। हमारा बहुत अच्छी बात होता है, इसलिए कभी फेसबुक देख नहीं सकता, समय नहीं मिलेगा, 7 घंटा कम से कम लग जाएगा। अगर 3-7 अगर 21 घंटा अगर 3 लाख कोई हरिनाम करे, कहते भैया ये साधारण बात नहीं, जो 3 लाख हरिनाम करे अगर उसका जो बात सिद्धि हो जाती है, मतलब वो जो कुछ बोलता है वो एकदम
महाप्रभु के लीला में इन्होंने लाभ उन्होंने हरि नाम ग्रहण किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला में तो मदद किए हैं, जब पूरी आते हैं श्री महाप्रभु के साथ हरिदास ठाकुर भी आए और बोले प्रभु आप मेरे को दूर मत रखा करो, आपका श्री चरण नहीं रखो, क्योंकि मुसलमान घर में जन्म हुए गंभीरा में रह नहीं सकते हैं। इसलिए ठीक ये गंभीरा का पीछे स्थान महाप्रभु जहाँ पर रहे ठीक उसको पीछे स्थान उन्होंने यहीं पर स्थान दिए, यहीं पर रहते थे। और महाराज का आपको सिद्ध बोकल का कथा सुनाया ना सिद्ध बोकल कथा, इसलिए हरिदास ठाकुर यहीं पर रहते थे। लेकिन जो अति जो उनकी लेकिन देखो कभी कभी विदेशी लोग हमारे जो गोरे विदेशी लोग कभी कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना चाहते नहीं, हरिदास ठाकुर भारतीय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कर्नाटक का ब्राह्मण है, लेकिन वो भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहते। प्रवेश करने का दूर की बात है, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को सामने भी आने जाते थे। बोले क्यों? बोले श्री हाँ इसलिए बोलते थे जगन्नाथ जी की जो मंदिर के पुजारी वो नहा धोकर के जगन्नाथ जी की सेवा के लिए जाते हैं, हमारे शरीर स्पर्श नहीं हो जाए ये अपवित्र हो जाए तो अपराध, इसलिए शिक्षा देते हैं। देखो और विशेष करके जो विदेशी लोग ये मत समझे अरे हम अंदर नहीं जा सकते ही, हरिदास ठाकुर यहीं से जगन्नाथ जी की मंदिर का जो चक्र यहीं से दिखता था यहीं से दर्शन करते थे, यहीं से कहा ब्रह्मा और प्रह्लाद दोनों मिलकर हरिदास ठाकुर वो कभी नहीं जाते थे मंदिर में और यहीं पर बैठ कर भजन किया है। इसलिए मतलब जो विप्रलंब रस है ना महाप्रभु लीला में भी वही विप्रलंब, कृष्ण लीला में भी कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़े, राम लीला में भी सीता को त्याग दिए, उनने विप्रलंब आस्वादन नहीं। इसलिए विदेश लोग भी एक तरह से सौभाग्यवान है क्योंकि भगवान उनको विप्रलंब रस के आस्वादन की शिक्षा देते हैं। समझ रहे हो Jagannath. He teach to you, you feel like this is Vipralambar Ras, and Vipralambar Ras is the top version of Ras. So, Western devotees are very, very fortunate. Okay? इसलिए यहीं पर श्री हरिदास ठाकुर जी यहीं पर भजन किए, भजन करते करते महाप्रभु रोज वहां से प्रसाद लाकर हरिदास ठाकुर देते थे, हैं? महाप्रभु रोज उनको जगन्नाथ जी की प्रसाद यहीं पर देते थे। बोले क्यों? महाप्रभु कौन है? बोले ये सचल जगन्नाथ, ये साक्षात जगन्नाथ जी। इसलिए शिक्षा देते हैं अगर कोई व्यक्ति हरि नाम ग्रहण करे, हरि नाम क्या है? भगवान के नाम, इसलिए अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, भगवान और उनको नाम में कोई फर्क नहीं। अगर हरि नाम करोगे ना साक्षात भगवान ही तुम्हारे पास में आकर के तुम्हें दर्शन और स्पर्शन प्रदान करेंगे। इसलिए जो मेन चीज है ये भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम। यही पर हरिदास ठाकुर जी जब अंतिम श्वास छोड़ना चाह रहे हैं, हरिदास जी की प्राण त्याग करना चाहते हैं, एक दिन महाप्रभु जो प्रसाद लेकर के आए, देखो ये शिक्षा को साथ में लेकर के जाओ, बहुत अच्छी शिक्षा है। महाप्रभु बोले हरिदास प्रसाद ग्रहण करो। बोले प्रभु आज मैं अपना संख्या नाम पूरी नहीं किया, क्योंकि जब तक हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम पूरी नहीं कर लेते थे तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। शिक्षा देते हैं ऐसे नहीं हरिनाम हरिनाम कुछ किया नहीं, 1-2 बजे तक रात को फिल्म देखते रहे, टीवी देखते रहे और रात को सोए और सवेरे उठे मुंह आंख धोए खाना खाए और चले गए काम नहीं। इसलिए ये हरिदास ठाकुर शिक्षा देते हैं, देखो जब तक कुछ ऐसे कुछ संख्या रखो, कुछ हरिनाम कुछ करके अरे हम प्रसाद सेवन करेंगे, बगैर माला पूरी नहीं किए बिना माला कब से कब तक संख्या रखो, इतना माला करके हम पूरी प्रसाद ग्रहण करें हैं, नहीं तो निष्ठा कहाँ है, निष्ठा रहेगी नहीं। अरे कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है भगवान का नाम है, कम से कम उसको तो हरिनाम तो करे। इसलिए बिना हरिनाम किए भोजन करना अपराध है, इसलिए गुरुदेव कहते थे माला
माला कभी भूखी नहीं जानी चाहिए, माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए। भूखा मतलब एक दिन यही सने हुआ माला ही नहीं किया, माला जहाँ तक लटक रहे हैं। गुरुदेव बोलते थे जब एक दिन तुमने माला नहीं की सारा धन माला खो जाते हैं। बोले गुरुदेव माला खो गया, बोले पैसा दिया कि नहीं, बोले गुरुदेव माला खो गया, बोले पैसा दिया, बोले नहीं पैसा नहीं खोया। मतलब क्या है, तुम माला से पैसा से ज्यादा महत्व देते हो ना, तब तो पैसा तुम्हारी खोई नहीं, लेकिन तुम्हारी माला खो गया पैसा नहीं खोया। मतलब जहाँ पर प्रीति है प्रीति पैसा में, प्रीति तुम्हारी माला में, प्रीति तुम्हारी नहीं। इसलिए यहीं पर अरदास ठाकुर जी को जब उन्होंने प्रसाद देने के लिए आए थे, प्रभु आज प्रसाद से ग्रहण नहीं कर सकता, मैंने माला जब नहीं कर सकता कोई नहीं। महाप्रभु बोले भैया वृद्ध हो गया, तब से तो थोड़ा सा हिसाब करो, सारा जीवन तो तीन तीन लाख हिसाब किया। जब अरदास ठाकुर जी आते थे प्रभु शरीर मेरा सुस्त है, असुस्थ बुद्धि पर मैं शरीर को बच्चा है, लेकिन जो मन है ना ये मन बड़ा दुष्ट है। हमारे काम के लिए हम अपना समय निकालते हैं, शादी जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए, घूमने के लिए सारे समय से निकाल देंगे। लेकिन जब केवल भजन की बात बताई ना, बोले नहीं हरि नाम करने के लिए समय नहीं, भजन करने के लिए हमें समय ही नहीं मिला। बोले खाने के लिए समय मिला कि नहीं, सोने के लिए समय मिला कि नहीं, सब चीज के लिए तो तुम्हें समय मिल गया, लेकिन माला की जब बात आता है ना हजार बहाना भाई उसी समय को ही है उसमें हजार बार। इसलिए हरिदास ठाकुर शिक्षा देते भैया, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे समय उठो और अपना छुट्टी लो, और अपना छुट्टी लेकर के अपना मन को सौ बार पीटो, अपना मन को सौ बार पीटो। मतलब क्या, मन को समझाओ, मन आज सारा दिन भगवत स्मरण करना, नाम लेना, भजन करना, दूसरे काम में बहाना बजाओ, लेकिन भगवान के भजन में कोई बहाना मत करो। यही पर हरिदास ठाकुर जी बोले प्रभु आपका दर्शन करते करते, आपके नाम लेते लेते, आपके चरणों को हृदय में धारण करते हुए मैं अंतिम श्वास त्याग करना चाहता हूँ। और यही पर भक्त लोगों को लेकर के आए और सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, और हरिदास ठाकुर जी भगवान दर्शन करते करते नाम करते करते अंतिम श्वास उन्होंने यही त्याग किया, और महाप्रभु स्वयं उनको अपना गोद में लेकर के, भगवान केवल दो व्यक्ति को उनके गोद में लिया है, एक हरिदास ठाकुर और एक काजी है। इसलिए हरिदास ठाकुर को महाप्रभु यहीं पर गोद में उठाए और उनका नित्य चिंतन करते करते उन्होंने आज सवेरे जहाँ पर समाधि में गए थे वहीं पर उन्होंने समाधि वहीं पर दिया। केवल हरिदास ठाकुर को शिक्षा देते हैं, अगर जो व्यक्ति जीवन में नाम को ही अपना जीवन में सार बनाएगा ना, एक दिन भगवान जी अपना गोद में हमें लेकर के समाधि प्रदान करेंगे। भगवान किसके लिए भिक्षा नहीं किया, केवल एक व्यक्ति के लिए उन्होंने भिक्षा किया। किसके लिए किया, हरिदास ठाकुर के लिए उन्होंने भिक्षा किया है, अपना हाथों से भक्तों को उन्होंने भोजन खिलाया केवल श्री हरिदास ठाकुर जी के लिए। बोले क्यों, एक दो तीन तीन लाख हरिनाम करते थे। और यहीं पर महाराज बताए ना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी यहीं पर भजन किया। महाप्रभु जब आए ललित माधव विदग्ध माधव नाथों को देखा, जब उन्होंने नाम की महिमा को सुने ना, हरिदास ठाकुर से नाच उठे, महाप्रभु तो इतने प्रसन्न हो गए, बोले बहुत हमने नाम की महिमा सुने, लेकिन तुंडे तांडव निमित्त वितनुते तुंडा बलि लब्धे कर्ण क्रणो कडमिनी घटे से कर्णा देव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनी रचयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्ण दिवर्ण द्वय। जब महाप्रभु ये श्लोक सुने उनका हृदय नाच उठा, लेकिन जब मंगलाचरण श्लोक सुने अनर्पित चरी चिरात करुणया वतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जल रसाम भक्ति सोभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर दूति कदम संदीपित सदा हृदय कंदर स्मृतुभ सचिनंदन। इसको तो महाप्रभु सुन करके दो श्लोक रूप गोस्वामी का हृदय गदगद हो गया, प्रेम में विभोर हो गए, सुख को समा नहीं सके। फिर भक्तों को लेकर आए रामानंद स्वरूप दामोदर सबको बोले फिर सुना तो
मतलब महाप्रभु इतने खुश हुए हृदय में अंतर समा नहीं रखे, फिर बोले सुनाओ हाँ। फिर जब सुने हरिदास ठाकुर नाच उठे, यही पर ये सब लीला हुई है। इसलिए जो लीला स्थली ये बहुत अच्छी लीला स्थली, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए, दर्शन किया, जहाँ पर महाप्रभु परिकर लोग रहे, हरिदास ठाकुर जी रहे, इसलिए इनके भजन स्थली ये स्थान पर आने पर क्या होता है, हृदय में भक्ति की स्फूर्ति होती है, हृदय में हरि नाम की रुचि होती है, हैं? इसलिए भगवान ने बोले जो लीला स्थली में जाए, बसे, कथा सुने और वहां का धूल लगाए, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। इसलिए प्रणाम करो, यहाँ धूल लगा और यहाँ से चलो, हम चलते हैं, गंगा चलते हैं।